कि आज आप खुद आकर यहाँ पर गवाह बने हैं कि आदि आबादी महिलाएं 10 साल के अन्याय कुशासन से त्रस्त थी, न्याय मांग रही हैं ये बहनें। और आज मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे सीनियर लीडर ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक मंत्री मीर साहब का कि आज अपने यहाँ पर वैरीनाग में अनंतनाग में मेरी बहनें मिलना चाहती थी, उन्हें यहाँ तक लाने में उन्हें अब उनसे रूबरू कराने में हमारे साथ रहे, मैं मीर साहब का शुक्रिया करती हूँ। चुनाव देखिए, हम लोगों का चुनाव 15 अगस्त का इंतजार था, 16 को चुनावों की घोषणा हुई, 17 तारीख को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कश्मीर में बड़ी बैठक राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेकर आज 18 तारीख को वैरीनाग अनंतनाग में बैठी हूँ। सम्मेलन पहला हो गया, अभी दूसरे दल दूसरे लोग विचार ही कर रहे हैं और हम लोग मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं और आवाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में है। श्री राहुल गांधी जी के नारी न्याय के तहत 5 वायदे जो थे वो बहनों ने हमें सौंपे हैं कि राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, नारी न्याय में महंगाई बेरोजगारी महिलाओं की भागीदारी पर बात की थी, मांग पत्र सौंपा है जिसका पूरा जिक्र हमने यहाँ पर किया। महंगाई से राहत चाहिए उन्हें, उनके घर राशन नहीं पहुंच रहा है, सरकारी पक्की नौकरियों में आरक्षण मांग रही है मेरी बहनें, उन्हें राहत देनी होगी, उन्हें सुरक्षा देनी होगी। हम इन सब वायदों के साथ जल्द अपना घोषणा पत्र, हमारी जो टीम है उसे हम अपनी मांगे जो है वो सौंपने जा रहे हैं। कश्मीर के 5 जिले, जम्मू के 2 जिले, 7 जिलों के दौरे में खुद करके आई हूँ, 20 जिलों में हमारी ऑल इंडिया टीमें बैठी हुई है इस समय, बाकी के जिलों में मैं अब तुरंत जाने वाली हूँ। अनंतनाग में पहला चरण 18 सितंबर को वोट है, लेकिन आप देख रहे हैं पहले ही चरण की अभी मतदान, अभी हमारा नामांकन नहीं हुआ, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लेकिन आवाम तैयार बैठी है कि बस जल्दी अपना नुमाइंदा घोषित करिए और हम वोट करें। और यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है 4 जून को कांग्रेस की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार बनने जा रही है। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मुझे पूरी उम्मीद है श्रीमती सोनिया गांधी जी भी जम्मू कश्मीर के इस आवाम को ताकत देने के लिए उनके बीच में आपको जल्द कुछ ही दिनों में दिखने वाले हैं। चल रही है गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में आएंगे तो उसपे आप भी कोई चाहेंगे? देखिए, अफवाहों पर मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे मेरी बात आजाद साहब से नहीं हुई और मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, वो उनका फैसला था जो उन्होंने किया था, वो कांग्रेस का फैसला नहीं था। तो अभी मैं यही कहूंगी, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है, तो हम हर एक का कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है, क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जमहूरियत लोकतंत्र को जीतने की है और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, 10 साल जम्मू कश्मीर ने अन्याय सहा है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है कि चुनावों की घोषणा केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार को करनी पड़ी। मैडम आपने अभी तकरीर में कहा है कि बेटियां पढ़ रही हैं लेकिन सुरक्षा उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल, कलकत्ता में डॉक्टर बेटी है, उत्तराखंड में नर्स बेटी है, सामूहिक बलात्कार हत्या हो रही है, क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री खोखले भाषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्किस बानो, गुजरात की बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ और आपने 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया, आपने प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगा मोदी जी या नहीं मांगा और वो हारता है वहां पर, आपने ब्रजभूषण शरण को लिए प्रचार प्रसार करके हमारी बेटी जो ओलंपिक में सिल्वर पदक तक जीत कर आई विनेश फोगाट के साथ, क्या आपने न्याय किया? मोदी जी और भाजपा बेटियां पढ़ रही है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षा देने में फेल हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, ये तय करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम को हम उम्मीदवार देंगे, वो उम्मीदवार को विधायक जिताएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, जो विधायक दल की बैठक अपना नेता चुनेगी, दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व उसे जनता के मुताबिक